नमस्ते, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना चैनल फूड हेल्थ एंड ब्यूटी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ करेला चिप्स, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के करेले। इसको मैंने इस तरह से ओवल शेप में काटे हैं, आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक। पहले भी हमने नमक डाला था, तो आप देख के इतने हिसाब से ही डालिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे राइस फ्लोर, चावल की आटा। यहाँ पे मैं 2 चम्मच चावल की आटा ऐड कर रही हूँ। इससे जो चिप्स है वो करारे रहेंगे, काफ़ी देर तक वो क्रिस्पी रहेंगे, नरम नहीं होंगे। इसको हम इस तरह से टॉस कर लेंगे, तो ये सारे जो मसाले हैं और कॉर्नफ्लोर है, ये करेले में अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे, 15 से 30 मिनट आप इसको छोड़ दें, और ताकि जो करेला है वो अपना पानी छोड़े और इसमें सारी चीज़ें इसे चिपक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मिनट हो चुकी हैं और हमारे सारे जो मसाले हैं वो करेले में अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। पहले तेल को चेक कर लेते हैं, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। यहाँ पर मैंने तेल में छोटा सा पीस डाल के चेक कर ली है, ये बहुत अच्छी तरह से तेल गर्म हो चुकी है। अब हम सारे करेले को एक एक करके छोड़ेंगे। एक एक करके डालने से करेले खुले खुले रहते हैं, हमारे चिप्स आपस में चिपकते नहीं हैं। एक एक करके सारे करेले तेल में डालने के बाद आप गैस की फ्लेम को तलते वक्त मीडियम फ्लेम पे रखें, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख सकते हैं, क्योंकि जो करेले हैं इसको हमें थोड़ी देर पकाना है। अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये जल्दी जल जाएंगे, तो इसको हमें पकाना भी है, ये अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए, ऊपर से क्रंची होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर बदल चुका है, चिप्स हमारे ऊपर से क्रिस्पी हैं लेकिन अंदर तक पक चुके हैं। इस स्टेज में आप निकाल दें, आपको इस समय ध्यान देना है, अभी आप अगर ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो जो करेला है वो अंदर से भी जल जाएगा। अभी हम इसको छान के निकाल लेंगे। तो अभी हमारे करेले की चिप्स बनके तैयार है। अगर आपके बच्चे करेले नहीं खाते हैं, इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आपको ये क्विक इजी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।